की वैल्यू दे दी गई है, तो हमने ये फाइंड करना है पी प्लस वन ओवर पी, पी माइनस वन ओवर पी, पी स्क्वायर प्लस वन ओवर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस वन ओवर पी स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सपोज वन ओवर पी, वन ओवर पी की वैल्यू क्या है, टू प्लस थ्री अंडर रूट, तो वन ओवर पी, क्योंकि सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वन ओवर पी की वैल्यू, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए कॉन्जुगेट से टू माइनस थ्री अंडर रूट से, टू माइनस थ्री अंडर रूट से वन ओवर पी, ये मल्टीप्लाई होगा, टू माइनस थ्री अंडर रूट आएगा, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा फोर, और माइनस थ्री, तो ये आ जाएगा टू माइनस थ्री अंडर रूट ओवर फोर माइनस, ये कट गया थ्री, तो वन ओवर पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू माइनस थ्री अंडर रूट ओवर वन है, फोर में से थ्री माइनस करें तो हम वही लिख देंगे, टू माइनस थ्री अंडर रूट, ठीक है। ये हमारे पास वन ओवर पी की वैल्यू क्या आ गई है, टू माइनस थ्री अंडर रूट, ये वन ओवर पी की वैल्यू। अब हम सबसे पहले ये पी प्लस वन ओवर पी फाइंड करते हैं, तो देखें पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी की वैल्यू हमें टू प्लस, यहाँ पे दे दी गई है टू प्लस थ्री अंडर रूट, यहाँ पे प्लस का साइन, आगे फिर वन ओवर पी की वैल्यू टू माइनस थ्री अंडर रूट लिखें, तो टू प्लस थ्री अंडर रूट प्लस, जब मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, तो प्लस, और ये कट गया टू टू फोर, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, पी प्लस वन ओवर पी की वैल्यू। इसी तरह हमने नंबर दो पे क्या है, पी माइनस वन ओवर पी की वैल्यू देखनी है, तो पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, टू प्लस थ्री अंडर रूट है माइनस, और वन ओवर पी की टू माइनस थ्री अंडर रूट है, तो टू प्लस थ्री अंडर रूट, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस, देखिए ये कट गया, तो ये थ्री अंडर रूट, थ्री अंडर, ये टू थ्री अंडर रूट, ये किसकी वैल्यू आ गया, पी माइनस वन ओवर पी की वैल्यू, एक वैल्यू ये आ गई। फिर हमने कीमत मालूम करनी है नंबर तीन पे, पी स्क्वायर प्लस वन ओवर पी स्क्वायर, तो इसकी कीमत मालूम करने के लिए आप देखिए यहाँ पे नंबर तीन में लिख रहा हूँ, हमारे पास पी प्लस वन ओवर पी की वैल्यू क्या आई है, ये आ गई है फोर, ये लिख के हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का हमने क्या लेना है, स्क्वायर, पी प्लस वन ओवर पी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर का भी स्क्वायर कर दें, तो ये आएगा पी स्क्वायर प्लस वन ओवर पी स्क्वायर प्लस टू पी एंड वन ओवर पी कर दें, ये फोर सिक्सटीन आएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, पी स्क्वायर वन ओवर पी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिक्सटीन माइनस टू इज इक्वल टू फोर्टीन, ये किसकी वैल्यू आ गई है, पी स्क्वायर प्लस वन ओवर पी स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आखिरी और लास्ट जो कौन सा है, नंबर चार पे पी स्क्वायर माइनस पी ओवर पी स्क्वायर माइनस वन ओवर पी स्क्वायर, तो ये आपके पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा, पी ओ प्लस वन ओवर पी और इंटू पी माइनस वन ओवर पी। अब पी प्लस वन ओवर पी की वैल्यू आपने निकाली हो कितनी है, वो फोर है, पी माइनस वन ओवर पी की वैल्यू टू थ्री अंडर रूट है जी, तो फोर टू से मल्टीप्लाई हो गए एट, थ्री अंडर रूट बनाएगा, यानी कि पी स्क्वायर माइनस वन ओवर पी स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई।